यस स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू। इसका जो पहला पॉइंट है उसे पढ़ते हैं। इट इज़ द एपेक्स बैंक इन द मनी मार्केट ऑफ अ कंट्री। यस, सेंट्रल बैंक जो है वो सबसे बड़ा बैंक होता है, वो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट होता है मनी मार्केट के अंदर किसी भी कंट्री की। मीन्स किसी भी कंट्री के अंदर जो मॉनेटरी सिस्टम है उसका वो सबसे बड़ा बैंक होता है। कमर्शियल बैंक, इट इज़ मियरली अ यूनिट इन द बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। मीन्स कमर्शियल बैंक एक यूनिट है, एक हिस्सा है किसी भी कंट्री के बैंकिंग स्ट्रक्चर का। तो इन दोनों का डिफरेंस समझे आप। जो कमर्शियल बैंक है वो पार्ट है एक बैंकिंग स्ट्रक्चर का किसी भी कंट्री के, बट जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो सबसे बड़ा बैंक है उस बैंकिंग स्ट्रक्चर का, उस बैंकिंग मार्केट का किसी भी कंट्री की। मींस सेंट्रल बैंक इज अ एपेक्स इंस्टीट्यूट एंड कमर्शियल बैंक इज अ यूनिट ऑफ बैंकिंग स्ट्रक्चर। नाउ सेकंड पॉइंट, इट्स प्राइमरी एम इज जनरल पब्लिक वेलफेयर। सेंट्रल बैंक का जो एम होता है, उद्देश्य होता है मेनली प्राइमरीली, वो होता है हमारे देश की जो पब्लिक है उसका वेलफेयर करना, उसका भला करना। बट जो कमर्शियल बैंक है उसका जो प्राइमरी एम होता है वो होता है टू अर्न द प्रॉफिट, प्रॉफिट को अर्न करना। थर्ड पॉइंट, इट हैज़ द मोनोपोली एंड एब्सोल्यूट राइट टू इशू करेंसी नोट। सेंट्रल बैंक के पास में मोनोपोली राइट होते हैं, मीन्स उनके पास सोलली राइट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास में हमारे देश के अंदर ये अधिकार है कि वो ही करेंसी नोट्स इशू कर सकते हैं और कोई देश इशू नहीं कर सकता। नाउ अ कमर्शियल बैंक इज स्टैचुअली डिनाइड दिस फंक्शन। कमर्शियल बैंक कोई भी करेंसी नोट इशू नहीं कर सकता, उसके पास में ये अधिकार नहीं होता। फोर्थ पॉइंट, इट कैन नॉट डील विद द पब्लिक। सेंट्रल बैंक डायरेक्टली पब्लिक के साथ में डील नहीं करता, बट कमर्शियल बैंक डायरेक्टली बिजनेस फर्म्स और पब्लिक के साथ में डील करता है। फिफ्थ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, इट एक्ट्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट का भी बैंक होता है, मतलब वो गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड करता है, उनको लोन देता है, उनके डिपॉजिट को रिसीव करता है। बट जो कमर्शियल बैंक है उसका गवर्नमेंट के साथ में ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता, ना ऐसी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी होती टुवर्ड्स द स्टेट। सिक्स पॉइंट, इट डिसाइड्स इट्स मॉनेटरी पॉलिसी टू रियलाइज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। जो सेंट्रल बैंक है वो डिसाइड करता है किसी भी कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी। क्यों करता है डिसाइड? ताकि उस देश के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे, अर्थव्यवस्था अच्छे से चलती रहे, स्टेबल रहे, और उस देश के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट रहे। बट जो गवर्नमेंट, जो हमारा कमर्शियल बैंक है वो एक सप्लीमेंट्री रोल प्ले करता है। और किस में सप्लीमेंट्री रोल प्ले करता है? गवर्नमेंट का जो सेंट्रल बैंक है हमारा, उसके द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई की जाती है उसमें वो सपोर्ट करता है। कौन? कमर्शियल बैंक। और जितने भी कमर्शियल बैंक है वो कंट्रोल किए जाते हैं, रेगुलेट किए जाते हैं, किसके द्वारा? सेंट्रल बैंक के द्वारा। मींस सेंट्रल बैंक सभी कमर्शियल बैंक का बॉस होता है। लास्ट पॉइंट, इट इज़ कस्टडियन ऑफ नेशन गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जो हमारा सेंट्रल बैंक है उसके अंदर हमारे देश का जितना भी गोल्ड है वो कहाँ रहता है? रिजर्व। वो सेंट्रल बैंक के पास में रहता है। जितना भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कौन मेंटेन करता है? वो सेंट्रल बैंक मेंटेन करता है। जितनी भी फॉरेन करेंसी है वो कहाँ पे रहेगी? वो सेंट्रल बैंक के पास में रहेगी। कमर्शियल बैंक ऐसा कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। सो स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू। आप इसे अच्छे से तैयार कीजिएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।